इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया यानी कि खून की कमी, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस यानी कि शारीरिक और मानसिक कमजोरी, देन आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आप जिम जाते हैं, अपना मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी जो फिजीक है वो बहुत ज़्यादा लीन थीन है, पतली दुबली है और आप थोड़ा सा वज़न बढ़ाना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं और उनके लिए आप एक उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बना कर रखने के लिए अगर कोई आप हेल्थ टॉनिक ढूंढ रहे हैं, या फिर घर में बच्चे हैं जिनका अच्छी ग्रोथ के लिए आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं, घर में प्रेग्नेंट महिला हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट अगर आप देख रहे हैं, तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बिकॉज जो हेल्थ सप्लीमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कम्प्लीटली होम्योपैथिक है, 100 and 200% इफेक्टिव है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इफेक्टिव हेल्थ टॉनिक विच इज कम्प्लीटली होम्योपैथिक। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो हेल्थ टॉनिक मैं आपको माल्ट बेस्ड हेल्थ टॉनिक है ये, तो ये जो माल्ट है आपको कौन कौन सी कंडीशंस में लेना है या कौन सी कंडीशंस में आप ले सकते हैं, इसके मेन रिक्वायरमेंट बॉडी की कब होती है या कब आपको इसको लेना चाहिए और किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। सो ट्रस्ट मी गाइज, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को तक जरूर देखिएगा। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो प्लीज चैनल पर जाएं, राइट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन हर बार मिल जाए तुरंत। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें कि हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ हम क्यों भागते हैं या हेल्थ सप्लीमेंट हमारे डॉक्टर्स हमको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कब होती है, तो आज के टाइम में, अभी के टाइम में हेल्थ सप्लीमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड टेम्पो नॉइज, तो आज के टाइम में जो हेल्थ सप्लीमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है वो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जो भी जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो इलनेस है, जो डिसीजेज हैं, सीजनल इन्फेक्शंस हैं, वो हमको इन्फेक्ट जल्दी ना करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो फाइटर सेल्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करें, उसके लिए एक हमको अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट ज़रूरी होता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कुछ सर्टन मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट डॉक्टर ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, इसमें डॉक्टर्स हमको एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं जिसके अंदर आयरन हो, कैल्शियम हो और भी वाइटामिन मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे हमारी बॉडी में आरबीसीज का प्रोडक्शन हो और हमारी बॉडी का जो ब्लड लेवल है वो बढ़ सके। अगर आप बहुत ज्यादा लीन थीन हैं, पतले दुबले हैं, मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हमको प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और हेल्दी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। देन प्रेग्नेंट वीमेन मतलब गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की, ताकि बेबी की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो, मदर में भी जो है किसी भी चीज की कमी ना हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर आप किसी ऐसी एग्जॉस्टिंग डिसीज से उभरे हैं लाइक टाइफॉइड, मलेरिया, कोई क्रॉनिक इलनेस है, ऐसी कोई डिसीज़ है जो लंबे समय से आपको चली आ रही है, आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, या फिर ऐसा कोई बुखार है जो लंबा चला बट अभी ठीक हो गया है, बट आप जैसे ही उस बुखार से निकले तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेडेक होता रहता है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है और वीकनेस के सारे लक्षण हैं, बहुत आसानी से थकावट हो जाती है,
तो इस कंडीशन में भी आपको एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। ये मदद करेगा आपको इन सारे सिम्टम्स को से बाहर आने के लिए और इनको खत्म करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई भी जनरल कोई इलनेस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कोई कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट आपको हेडेक होता रहता है, फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, या फिर वीकनेस होती है, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, थकान होती है, थोड़ा सा काम करने के बाद एग्जॉस्ट फीलिंग होती है, लिथार्जीनेस रहती है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी महिलाओं को हेल्थ सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा जो मीनोपॉजल एज की विमेन होती हैं, जो मीनोपॉज अप्रोच कर रही होती हैं या जिन्होंने मीनोपॉज अटेंड कर लिया है, तो उन महिलाओं में भी एक अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हार्मोन विड्रॉल होता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है बॉडी में, तो एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट आपको उस कंडीशन में भी लेना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके लिए हम एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट ढूंढते हैं। जो कंप्लीट फैमिली हेल्थ टॉनिक मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट कर रही हूँ वो है न्यू लाइफ कंपनी का NL अल्फा अल्फा माल्ट। दिस इज द माल्ट, चॉकलेट फ्लेवर माल्ट है ये, कंप्लीट फैमिली हेल्थ टॉनिक। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ पहले शेयर करूं तो इसको मैं पास्ट 6 to 8 months से यूज कर रही हूं, ज्यादा वक्त हो गया, बल्कि 1 साल करीब हो गया इसे मैं अपनी क्लिनिक में यूज कर रही हूं। इससे पहले मैं ये फेरोफर एम माल्ट यूज करती थी, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उससे भी पहले मैंने मेडिसिन का और SBL का माल्ट यूज किया है। जनरली हेल्थ सप्लीमेंट्स में मैं माल्ट ही यूज करती हूँ, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली वेट गेन के कंडीशन में। सो दिस इज द माल्ट, ये 450 ग्राम पैकेजिंग है। मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ अंदर से, उसके बाद हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। सो इट हैज अ जार विद दिस मेडिसिन, जो माल्ट है इसके अंदर, ये अच्छे एक प्लास्टिक जार के अंदर आता है। 450 ml क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर द प्राइस, इसका प्राइस 270 rupees है, और इसके अंदर मुझे ये एक इसमें स्पून मिली हुई है। मैं तो सबसे पहले इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो फर्स्ट मेडिसिन इज अल्फा अल्फा, ऑब्वियसली अल्फा अल्फा जो मेडिसिन है वो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, फॉर वीकनेस, फॉर डलनेस, फॉर डिजीनेस, फॉर ड्राउजीनेस, फॉर लिथार्जीनेस, शरीर में किसी भी तरह की किस्म की कमी जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ है वो डिटेरियरेट हो रहा है, उसको अल्फा अल्फा पूरा करती है। स्पेशली हीमोग्लोबिन अगर कम है आपकी बॉडी में तो उसमें अल्फा अल्फा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मसल बिल्डअप के लिए अल्फा अल्फा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। किसी भी डिसीज के बाद अगर आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है, जैसे कि कोई बड़े फीवर के बाद, कोई लंबे समय से चली आ रही इलनेस की वजह से, और आप उससे निकल गए हैं बाहर, पर आपका जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट है, वीकनेस है जो है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अल्फा अल्फा जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी काम करती है। हम मदर टिंचर फॉर्म में भी अलग से प्रिस्क्राइब करते हैं, सो इसके अंदर है। देन इट हैज एवेना सटाइवा, अगेन बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वीकनेस। देन इट हैज सिंकोना, चाइना मेडिसिन है इसके अंदर, जो मैंने बताया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन से आप सफर किए हैं बहुत ज्यादा, ऐसी कमजोरी जो बॉडी के फ्लूइड्स के लॉस के वजह से आई हो, लाइक बॉडी के फ्लूइड्स यानी कि बहुत ज्यादा वाटर लॉस हुआ है आपको, बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ है, डिहाइड्रेशन हो गया है, उसके बाद आपको कमजोरी हो गई है, देन या फिर अगर आपका ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में स्पेशली जैसे कि डिलीवरी के बाद महिलाओं में होता है, ब्लड लॉस होता है, उसके बाद वीकनेस होती है, तो इन सारी कंडीशन में चाइना बहुत बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सिंकोना इतनी अच्छी मेडिसिन है, इससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। अगर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद आपको वीकनेस वगैरह हो रही है बॉडी में, तो सिंकोना बहुत अच्छी तरह काम करती है। अश्वगंधा एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, सदियों से यूज की जा रही है इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और हम होम्योपैथी में भी इससे मदर टिंचर प्रिपेयर करते हैं। अश्वगंधा बॉडी की जनरल हेल्थ को बूस्ट करती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, मेल्स में बहुत 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 ही इफेक्टिव है। इनफर्टिलिटी से अगर आप सफर कर रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी से, तो अश्वगंधा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो मेल्स हैं जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं एज अ हेल्थ सप्लीमेंट। देन एसिड फॉस, हेयर लॉस, कोई भी ऐसी कमजोरी या वीकनेस या इलनेस जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, ऐसे आंखों के सामने काला काला सा हो जाता है, चक्कर आते हैं, तो एसिड फॉस बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इट हैज 5 फॉस जो कि अपने आप में होम्योपैथिक हेल्थ सप्लीमेंट है। 5 फॉस टैबलेट्स भी आती हैं, तो वो भी 5 फॉस इसके अंदर
ऐड किया हुआ है. देन इसके अंदर सिंपल माल्ट एक्सट्रैक्ट बेस है, कुछ फ्लेवर्स हैं और प्रिजर्वेटिव है. ये इसका कॉम्पोजिशन है. इसके इंडिकेशंस के बारे में हम बात कर लें जो यहाँ पर मेंशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में. तो सबसे पहले हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, तो भूख बढ़ाने के लिए, अगर आपको भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं. वजन बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने बताया, वजन बढ़ाना चाहते हैं आप, बहुत ही पतले दुबले हैं, मसल्स नहीं है बॉडी में, आपका जो फिजीक है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा दुबला पतला है, उसकी वजह से आपको कमज़ोरी भी होती है, तो वज़न बढ़ाने के लिए और भूख बढ़ाने के लिए, इस पर्पज़ के लिए, तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं इस माल्ट के ऊपर, बिकॉज मैंने यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं. देन ऐसे बच्चे जिनका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कम है, उनको ये माल्ट आप दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. बड़े बुजुर्गों में, बूढ़ों में, जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी कम होती जाती है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है. तो अगर आप बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं आपके यहाँ और हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. देन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जैसा मैंने बता दिया ऑलरेडी डिटेल स्टार्टिंग में ही, कि प्रेग्नेंट वुमेन को सप्लीमेंट की, हेल्थ सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर्पस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. मेंस्ट्रुएशन ट्रबल वाली विमेन, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और मेंसेस के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मेंसेस से पहले वीकनेस होती है मेंसेस के दौरान, तो आपको ज़रूर ये माल्ट लेना चाहिए. देन किसी भी प्रकार के डिसीज़ के बाद, एग्जॉस्टिंग फीवर के बाद, एग्जॉस्टिंग इलनेस के बाद आपको वीकनेस, कमज़ोरी है और उससे आप उभरना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो इन सारे सिम्टम्स के लिए या इन सारी डिसीजेस के लिए और कंडीशंस के लिए आप इस माल्ट को यूज़ कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि इसको आपको लेना कैसे है. तो इसके अंदर जो स्पून मैंने आपको बताई थी, इट हैज़ 3 स्पून इनसाइड और वो आती ही है, कंपनी देती है. ये जो स्पून है, ये इसका मेजरिंग स्पून ही समझ लीजिए आप. तो बच्चों के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर इसको आप दूध के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और दूध के साथ ही लेना चाहिए. माल्ट जो है बहुत अच्छी तरह काम करते हैं ये. तो इसको आपको बच्चों को एक चम्मच, एक ग्लास दूध में, जितना भी दूध बच्चा पीता है उसमें आप एक चम्मच अच्छे से घोलकर और पिला दें. डेली आपको ये करना है. आप सुबह शाम दूध देते हैं बच्चे को, तो सुबह शाम एक एक चम्मच इसे दे सकते हैं. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी. देन एडल्ट्स के लिए अगर हम बात करें, तो ये वाला जो स्पून है, ये 2 टीस्पून, ये टीस्पून है, तो 2 टीस्पून आपको एडल्ट्स को लेना है. सुबह ले लें आप, या किसी भी टाइम जब भी आपका दूध का रूटीन है, तो 2 चम्मच दूध में मिक्स करके आपने इसे ले लेना है. प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन के लिए, जो प्रेग्नेंट है महिलाएं या फिर लैक्टेटिंग है, फीड कराती हैं, डिलीवरी के बाद वाला जो टाइम है, उसमें आप इसको 2 चम्मच सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं दूध के साथ. किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा. ऑनलाइन आपको ये होम्योमार्ट पर मिल जाना चाहिए और शायद healthmug.com पर अवेलेबल है. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी. इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज गिव इट अ थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. लव यू ऑल.